आज का हमारा टॉपिक है इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस। ये टॉपिक बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का है और बुक का नाम है फिजिकल ज्योग्राफी। फर्स्ट ये जो टॉपिक है ये अर्लियर थ्योरीज में से एक है। बिग बैंग जो है वो मॉडर्न थ्योरीज में से है। इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस अर्लियर थ्योरीज में से एक है। इंटरस्टेलर हाइपोथेसिस को ओरिजिनेट किया था ऑटो श्मिट ने। ऑटो श्मिट वॉज एन रशियन साइंटिस्ट। ऑटो श्मिट ने डस्ट हाइपोथेसिस के लिए, जो इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस है उसके लिए दो मेन कॉम्पोनेंट्स को माना है। सबसे फर्स्ट अगर कॉम्पोनेंट की बात करेंगे तो वो है डार्क मैटर। डार्क मैटर को श्मिट ने हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ मैटर माना है। यानी कि एक तरीके से काल्पनिक पदार्थ, हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ मैटर। यानी कि डार्क मैटर एक ऐसा मास जो कि हमारे लिए डार्क मैटर को ही इन्होंने इंटरस्टेलर डस्ट कहा। इंटरस्टेलर डस्ट जो यूनिवर्स का 82.5% जो पार्ट है वो डार्क मैटर से बना है। डार्क मैटर इज मेड अप विथ टू फॉर्म्स, डस्ट पार्टिकल्स एंड गैसेस। तो जो डार्क मैटर है वो हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ मैटर माना है। ऑटो श्मिट ने इंटरस्टेलर डस्ट बोला है डार्क मैटर को, और यूनिवर्स का 82.5 और हम बोल सकते हैं कि 82-85% जो पार्ट है डार्क मैटर बना हुआ है। किससे? डस्ट पार्टिकल से और प्लस गैस। ठीक है, ये है हमारा कौन सा फर्स्ट कॉम्पोनेंट। अगर हम सेकंड की बात करेंगे तो वो है गैलेक्टिक रिवॉल्यूशन। गैलेक्टिक रिवॉल्यूशन, तो गैलेक्टिक रिवॉल्यूशन क्या है? जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड एक ऑर्बिट करते हैं। जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड क्या कर रहे हैं? रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। लेकिन जो सन है वो भी रिवॉल्यूशन कर रहा है किसके अराउंड? गैलेक्सी के अराउंड। किसके अराउंड? गैलेक्सी के अराउंड। हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे। तो यहाँ पर जो सेकेंड कॉम्पोनेंट की बात हम कर रहे हैं गैलेक्टिक रिवॉल्यूशन, तो वहां पर जो सन है ये रहा सन और हम मान रहे हैं ये क्या है? ये गैलेक्सी है, गैलेक्टिक सेंटर। और ये रिवॉल्व कर रहा है सन किसके अराउंड? गैलेक्सी। इस तरह से समझेंगे कि ये गैलेक्टिक सेंटर है जो कि क्या है? गैलेक्सी है। और सन जो है वो ऑर्बिट कर रहा है किसके अराउंड? हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे उसके अराउंड। जब ये कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है यानी कि एक कंप्लीट चक्कर हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? गैलेक्टिक ईयर, वन गैलेक्टिक ईयर। और वी कैन ऑल्सो से दैट वन कॉस्मिक ईयर। ओके, तो जो सन है वो किसका रिवॉल्यूशन कर रहा है?
यहाँ पर कंप्लीट जो सन के अराउंड जितने भी जो पार्टिकल्स हैं, जो डार्क मैटर है, वो रिवॉल्व करने लगता है, उसका खुद का अपना एक एंगुलर मोमेंटम क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर दो फोर्सेस काम कर रही हैं, फर्स्ट है सन की ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द सेकेंड वन इज एंगुलर मोमेंटम। तो जब दो फोर्सेस काम कर रही हैं तो यहाँ पर सन के अराउंड एक डिस्क डेवलप होने लगती है। तो वो जो डिस्क डेवलप हो रही है वहाँ पर इन पार्टिकल्स में ड्यू टू टू फोर्सेस अरेंजमेंट शुरू हो जाता है। किसका? डस्ट पार्टिकल्स का और गैसियस पार्टिकल्स का। तो इन दो फोर्सेस की वजह से जो गैसियस पार्टिकल्स हैं वो सन के मार्जिन पर चले जाते हैं, यानी कि जो डिस्क है उसके मार्जिन पर चले जाते हैं, और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सन की क्लोज रेंज में रहते हैं। सन की क्लोज रेंज में डस्ट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हो गया है, और जो गैसियस पार्टिकल्स हैं वो सन के मार्जिन यानी कि डिस्क के मार्जिन पर चले गए। ठीक है, तो अब ये हमारे जो टेरेस्ट्रियल जो प्लैनेट्स हैं और जो जोबियन प्लैनेट्स हैं उसकी थ्योरी को भी क्लियर कर रहा है। आप देखेंगे कि जो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें हमारे जो इनर प्लैनेट्स हैं वो रॉक्स से फॉर्म हैं, और जो हमारे आउटर प्लैनेट्स हैं जिनको हम जोबियन प्लैनेट्स भी बोलते हैं वो गैसेस से हैं, बहुत जो जॉइंट बिग गैसेस जो होती हैं उनसे बने हुए हैं। तो ये जो थ्योरी है ये इस चीज़ को प्रूव कर रही है, क्योंकि सन के अराउंड कौन से पार्टिकल्स होते हैं? डस्ट पार्टिकल्स हैं, और जो सन के मार्जिन पर गैसेस पार्टिकल्स हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे जो इनर प्लैनेट्स हैं, जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो हैं, जिसमें कि आपके हो गए वीनस, मरकरी, अर्थ और आपका मार्स, और जो आउटर प्लैनेट्स हैं जिनको हम जोबियन प्लैनेट्स भी बोलते हैं, दे आर मेड अप विद जाइंट गैसेस। उनमें कौन से हो गए? आपके जुपिटर है, सैटर्न है, आपके नेपच्यून है, ये जो है ये कौन से हो गए? आउटर प्लैनेट्स हो गए। तो यहाँ पर कंप्लीट और ये अरेंजमेंट किस वजह से हुआ है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ डार्क मैटर प्लस सन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो थ्योरी है ये कंप्लीट बता रही है किसको, कि किस तरीके से प्लैनेट्स फॉर्म हुए हैं। सबसे पहले जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें कोलिशन शुरू होगा, फिर एग्रीगेशन की प्रोसेस शुरू होगी। एग्रीगेशन के बाद एस्ट्रॉइड्स बनेंगे, एम्ब्रॉय बनेंगे, एम्ब्रॉय के बाद एस्ट्रॉइड्स बनेंगे, एंड आफ्टर एस्ट्रॉइड्स जो प्लैनेट्स हैं वो फॉर्म होंगे। तो ये जो कंप्लीट जो थ्योरी है ये अर्लियर थ्योरीज में से एक है, और शुमेर ने दी है, और ये जो प्लैनेट्स एस्ट्रॉइड्स हैं, प्लैनेट्स हैं, और बाकी का